Hello my awesome students, welcome to my channel Akshar Vidyalay. I am Naina and I make videos related to NCERT solutions for the classes 9 to 12. Along with that, you can see some videos related to the Vedic maths of the mathematics, which is going to help you in your competitive exams, right? So let's talk about our today's video, which is related to class 11. आज की जो हमारी वीडियो है वो है class 11 and chapter number is 1 and exercise is 1.3. तो हमने पिछली जो दो वीडियोस बनाई हुई हैं वो मेरी किस पर हैं, exercise 1.1 and exercise 1.2. So you can see those videos first if you want to understand this topic very clearly. एक quick review sets का दोबारा से कर लेते हैं, that what are sets basically. Sets क्या होता है कि हमारे पास कोई भी elements हैं उनको हमें arrange करना है, तो that is called as the sets. राइट, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में. एंड दिस 1, 2, 3 and 4 इज नोन एज एलिमेंट. इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे दे ऑल विल बी सेपरेटेड बाय कोमा. तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कोमा से सेपरेट होंगे. राइट, तो तीन स्पेसिफिकेशंस फॉर द सेट्स, कि सेट्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में. सेकेंड पॉइंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी सेपरेटेड बाय कोमा, और हर एक जो ये वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. ओके, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. तो अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, सब सेट्स. राइट, सेट्स आपने पढ़ लिया कि सेट्स क्या होते हैं. राइट, अब सब सेट्स, एक सेट के अंदर से और सेट्स बनाना, दैट इज कॉल्ड एज सब सेट्स. क्यों? क्योंकि अब आपको नाम से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किसी भी डेफिनेशन को हमें क्रैम नहीं करना है, हमें नाम से सारी की सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी. राइट, तो सबसे पहला क्या है, सब सेट्स. सब का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सब का मतलब होता है पार्ट. राइट, तो क्या होगी डेफिनेशन, अब आप इजीली डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं. क्या होगी डेफिनेशन हमारे पास सबसेट्स की, कि एक सेट का पार्ट, एक सेट का एक और पार्ट अगर बना दें तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब सेट. तो कैसे होगा, सपोज मेरे पास एक सेट है ए, 1, 2, 3, 4 and 5. तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सेट का एक और पार्ट बनाना है. पार्ट का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास जो एक और सेट होगा इसके अंदर इसके कुछ पार्ट यहाँ पर हमें लिखने हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब सेट. राइट, अब कितने एलिमेंट्स लिखने हैं कितने नहीं लिखने हैं वो आपकी मर्जी है. आप इसी सेट में से निकाल के यहाँ पर जब एक और सेट बना देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सब सेट. ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, अब कि हम कंडीशन क्या कह सकते हैं, सपोज लेट अस सपोज हम इसको थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं. सपोज दिस इज बी एंड दिस वन इज ए. राइट, तो हमारे पास क्या हो गया कि B सेट में से हमने एक और नया सेट बना दिया जो कि B सेट का क्या है, एक पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब सेट. राइट, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि कंडीशन अगर आप ध्यान से देखोगे खुद से कि क्या बन रही है, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग आपने इसी में से ये बनाया है. राइट, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे, हमारे बी सेट में, क्योंकि हमने इसी में से बनाया है. अगर इसमें से नहीं बनाएंगे तो वो हमारा सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही यही है कि दैट दिस न्यू सेट शुड बी अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सेट. राइट, तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर एक और एलिमेंट 6 ऐड कर दूँ तो 6 क्या 6 इसमें से बना नहीं आया इस वाले में से, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. राइट, तो बेसिक कंडीशन जो हमें नाम से पता चल रही है डेफिनेशन की वो क्या है, कि दैट द न्यू सेट शुड बी अ पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल सेट. तो क्या कंडीशन हो गई, दैट ए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी किस काम आने वाली हैं, ये सब हमारी रिप्रेजेंटेशन है, मैथ्स में हमें इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है. दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो ये सिंबल है हमारा, ये सिंबल क्या दिखाता है, कि दैट इट इज़ अ सब सेट.
ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने आपको समझा दी कि अगर हर एक एलिमेंट स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे देखे हैं तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो सेट होता है उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। तो वो क्या कह रहा है कि अगर ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो किसका है, ए का, तो स्मॉल एलिमेंट किस में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। और ये सिंबल क्या डिनोट करता है, ये सिंबल डिनोट करता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ इसकी भी होनी चाहिए। अगर आप कहो कि दैट दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन किसका है, मेरा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है हमारे पास कि दैट दिस सिंबल बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल ए है वो किस में भी होना चाहिए, हमारा बी में भी होना चाहिए। अगर तो तभी हम कहेंगे कि जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एक न्यू कंडीशन, तीन कंडीशन जो कि हमारे किससे डिराइव हो रही हैं, सबसेट से। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसको इस तरह से सिंबल को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस कब ट्रू होंगी, देखो अभी जो हमने एग्जांपल किया इसमें सिर्फ क्या था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो कि दोनों ही एक दूसरे के आपस में सबसेट हों, बिकॉज बीच में एंड लगा है, तो एंड का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी कंप्यूटर में लैंग्वेज पढ़ी है कोई, तो एंड का मतलब क्या होता है कि मेरी दोनों ही कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, कि ए बी का भी सबसेट होना चाहिए और बी किसका सबसेट होना चाहिए, ए का। तो वो कंडीशन कब होगी, जब दोनों ए और बी क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे। कैसे, सपोज ए ए ये है, इसी तरह से अगर मैंने बी एक और सबसेट ले लिया, ए बी सी और डी, तो मेरे पास क्या हो गया कि मैं कह सकती हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए के ही सारे एलिमेंट्स लेके हमने एक और नया सेट बनाया है जिसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। इसी तरह से बी के ही सारे एलिमेंट्स लेके हमने एक और नया सेट बनाया है ए, जिसका नाम क्या है, जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी और डी, कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं और बी के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हैं, ए में। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जब सिर्फ और सिर्फ जब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। देन सेकेंड डेफिनेशन जो इससे हमारे सबसेट से डिराइव होती है वो क्या है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, कि ए जो है वो खुद का सबसेट होगा। कैसे हो सकता है ए खुद का सबसेट, सपोज इसमें मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी और डी, तो इसका अगर मुझे सबसेट बनाना है तो क्या होगा, पूरे के पूरे अगर मैं एलिमेंट्स इसके लिख दूं ए बी सी और डी, और इसको मैं कुछ और सेट का नाम दे दूं, सपोज मेरा ये क्या है बी या सी, तो ए खुद का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर खुद में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, अगर ए का हम सबसेट लिखें तो ए के सारे एलिमेंट्स भी उसके अंदर होंगे। तो यानी कि कोई भी अगर सेट है तो वो किसका सबसेट होगा, सबसे पहला सबसेट क्या होगा, वो खुद का सबसेट होगा। तो जब हम सबसेट्स बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो आपसे आगे क्वेश्चंस में कहेगा कि कोई भी एक सेट दे देगा, देन द क्वेश्चन विल से दैट कि इसके सबसेट लिखो। तो जनरली स्टूडेंट्स सबसेट्स तो लिख देते हैं, बट जो ये दो इम्पॉर्टेंट सबसेट्स हैं कि वो खुद का सबसेट है एंड फाइव, ये दोनों लिखना भूल जाते हैं। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स नहीं भूलने हैं कि ए जो है वो खुद का भी सबसेट होगा, और जो जाय है, जाय क्या होता है, फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट। पिछली वीडियो में समझाया मैंने कि फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब देखो क्रैम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी क्या होगा, खाली, यानी कि फाई एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ये एक खाली सेट होगा। तो खाली सेट जो है वो क्या होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखो ए मेरे पास क्या है,
ए है मेरे पास एक ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके, अगर मैं सबसेट्स लिखने जाऊँ तो मेरे पास क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, एक ए हो सकता है, एक सिर्फ बी हो सकता है, एक सिर्फ सी हो सकता है, एक खाली डी हो सकता है, एक मेरे पास ए कॉमा बी हो सकता है, बहुत सारे बना सकते हैं हम इस तरह से, एक बी कॉमा सी हो सकता है, साथ में एक फाई भी हो सकता है। फाई क्यों हो सकता है, क्योंकि फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, और हम यहाँ पे क्या, क्योंकि ये जो खाली एलिमेंट है इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ऐड ऑन हुआ। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे अगर सिक्स है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है ना ये, कि जो हमारे इस सेट में ना हो, ये तो खाली ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो दैट्स वाई दिस विल बी कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब हम सेट्स लिखेंगे, सबसेट्स लिखेंगे, तो दो सेट्स हमें जरूर इंक्लूड करने हैं। पहला सेट कौन सा, कि वो खुद का सेट है, और दूसरा सेट कौन सा, दैट इट इज़ अ एम्प्टी सेट, जो है वो फाइव होगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं कुछ और सेट्स के, टाइप्स ऑफ सेट्स, कुछ और सेट्स। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि वॉट इज़ अ सबसेट, राइट। तो सबसेट के अंदर हमने तीन कंडीशंस पढ़ी टोटल। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फर्दर टाइप्स ऑफ सेट्स स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्या है, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट का मतलब क्या है, कि ये जो है नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर सेट होगा, ये एक्चुअली सबसेट होगा। ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी, राइट। हमने सेट की डेफिनेशन क्या होती है, दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब किसी एक बड़े सेट में से छोटा सेट बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब सेट। ये तो सिंपल एक उसकी एक फर्दर डेफिनेशन निकली हुई है उसमें से। तो प्रॉपरली जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, कि ए जो है वो बी में से एक छोटा सबसेट निकलेगा, जहाँ की दोनों क्या है, वो मेरे बराबर नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो हमारे एज इट इज़ लिखे जाएंगे ये दोनों, लेकिन इसमें से बड़े में से कोई छोटा तो नहीं निकला ना। तो यहाँ पर वो यही कंडीशन कह रहा है कि प्रॉपर हम सबसेट कब बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कब फुलफिल होगी, कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और ए और बी दोनों बराबर नहीं है, अगर ए और बी दोनों बराबर नहीं होंगे तभी हम कहेंगे कि हमने एक बड़े सेट में से हमने एक छोटा सेट निकाला है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर सब सेट, क्योंकि ये प्रॉपरली सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर, राइट, कि ए और बी जो है वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, देन ए विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर सब सेट। तो B क्या हो जाएगा मेरा, B क्या है मेरा, B मेरा पूरा सेट है, तो B विल बी कॉल्ड एज अ सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या हुआ, कि बड़ा जो एक्चुअल जो सेट था, सुपर सेट था, वो मेरा क्या था, B, ठीक है, जिसमें से हमने एक और नया सेट बनाया इसी B के एलिमेंट्स को यूज करके। ओके, दैट सिंगल टन सेट, जैसे एम्प्टी सेट था, मैंने आपको बताया कि आपको नाम से ध्यान रखना है, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या था, खाली। तो इसी तरह से सिंगल टन, सिंगल का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि कोई एक ऐसा सेट जो कि खाली ना हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल टन सेट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर बताने वाला और याद करने वाला, इसको अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि सिंगल एलिमेंट, सिंगल नाम से पता चल रहा है, सिंगल कोई भी एक सेट लेके अगर उसके अंदर हम सिंगल एलिमेंट लिखते तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल टन सेट, राइट। नाउ मूविंग टू एग्जांपल नंबर 9, जितनी भी डेफिनेशंस हमने अभी तक पढ़ी हैं, उन सभी डेफिनेशंस के ऊपर बेस जो है हमारे अब आगे 3 एग्जांपल्स, राइट। फर्स्ट एग्जांपल क्या, एग्जांपल नंबर 9, कंसीडर द सेट्स पाई ए बी एंड सी। तीन चार सेट्स दिए हुए हैं हमें, हमें क्या करना है, इंसर्ट द सिंबल दिस और दिस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इन सब के बीच में हमें ये सिंबल इंसर्ट करने, ये सिंबल किस चीज़ का है, हमने वीडियो में सीखा पहले कि ये सिंबल किसका है, सब सेट का।
अगर वो उसका सबसेट है तो हम ये सिंबल लगाएंगे, अगर सबसेट नहीं है तो हम नॉट का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ये क्या होता है इक्वल टू और ये क्या होता है मेरा नॉट इक्वल्स टू, राइट। तो अब बात करते हैं इसकी, क्या फाइव बी का सबसेट है। हमने जो है ये सबसेट के रिजल्ट्स में पढ़ा कि फाइव जो है वो हर एक सेट का क्या होता है सबसेट होता है, और हर एक सबसेट खुद का भी सबसेट होता है, और फाइव जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, देन ए ए एंड बी, अब चेक करो कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, नहीं है। थ्री जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे नॉट इक्वल टू, राइट। ए एंड सी, ए में क्या है वन और थ्री, तो सी में भी वन और थ्री दोनों प्रेजेंट हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया मेरा यस इट इज अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट बी एंड सी, बी एंड सी चेक करो सारे एलिमेंट्स बी का वन देन फाइव देन नाइन, सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। फाइव, देन देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई ना जो हमने पढ़ी थी अभी सबसेट का पार्ट, राइट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस करते हुए ये और भी ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, देन एग्जाम्पल नंबर टेन, एग्जाम्पल नंबर टेन में क्या है लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, तो दो सेट्स दिए हैं हमें, हमसे पूछा है इज ए अ सबसेट ऑफ बी, येस और नो। तो कैसे पता लगेगा कि ए जो है वो क्या है हमारा, ए के अंदर ए एलिमेंट है बी में भी है, लेकिन जो बाकी के वॉवल्स हैं वो कोई भी वॉवल हमारा बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। व्हाई, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट बी, क्लियर। देन इज बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए जो इसमें प्रेजेंट है कॉमन, बाकी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सेट ए, बट बी सी एंड डी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट ए, राइट। तो क्लास इलेवेंथ में आपको क्रामिंग करने के बजाय कुछ सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने सीखने हैं, सो दैट कि वो चीज़ आपको फ्यूचर में यूज आए। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बुक से क्राम नहीं करना, आपको पता है उस चीज़ का मतलब दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ ए बट बी सी एंड डी आर नॉट द पार्ट ऑफ द सेट ए, इतना क्लियर। सो नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोला है उन्होंने लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, अब हमें तीन सेट्स दिए हैं। ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास सेट क्या है ए वन है, तो बी का क्या होगा पूरा का पूरा सेट हमारा ऐसे का ऐसे कि सेट पूरा ही इसके अंदर है। ये क्या है सिर्फ एलिमेंट्स, सबसेट का मतलब क्या होता है सिर्फ एलिमेंट्स से हम बात करते हैं, लेकिन जब बिलोंग्स टू की बात आ जाती है तो पूरा का पूरा सेट विद द कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर लिखते हैं, राइट। देन हमने एक और सेट की इन्होंने बात की है, वो क्या है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी कब होगा सबसेट सी का, जब सारे के सारे एलिमेंट्स बी के किस में प्रेजेंट होंगे सी में, और एक हमने एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट ऐड ऑन कर लिया सी का, राइट। सी में तो हम कर सकते हैं क्योंकि सी इज अ सुपर सेट, राइट, एंड बी क्या है बी मेरा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट है। ठीक है, देन इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, अब आप खुद देखो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो अब हमारे पास क्या है क्या ए सी का सबसेट है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि सबसेट के अंदर हम एलिमेंट्स देखते हैं कि जो ए के अंदर का एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है वन, वो एलिमेंट मेरा सी में प्रेजेंट नहीं है, सी में क्या प्रेजेंट है पूरा का पूरा सेट, बट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, राइट। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज वन बिलोंग्स टू ए बट वन
does not belongs to C. सेट तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम सबसेट की बात करें तो सबसेट में हम किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स की. तो जो वन एलिमेंट है ए का वो मेरा सी में प्रेजेंट नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है आपके पास, इंटरवल्स ऑफ आर. तो ये जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो सारी हम एक्सरसाइज 1.3 में कवर अप करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इंटरवल्स ऑफ आर. इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल इंग्लिश मीनिंग से आपको पता चल रहा है, आपने पढ़ा हुआ है टाइम इंटरवल पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो टाइम इंटरवल क्या होता है, सपोज करो कि एक ट्रेन मॉर्निंग में 8 AM पर स्टार्ट हुई एंड इट रीचेज एट इट्स डेस्टिनेशन एट 9 AM, 9 बजे वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची. तो टाइम इंटरवल किसको कहेंगे हम, बिटवीन 8 to 9. तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 8 और लास्ट एलिमेंट इसका क्या होगा 9. ठीक है, तो ऐसे ही हमें सेट्स की भी रेंज बतानी है कि जब हम सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे 1, 2, 3 and 4, तो इस एलिमेंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इंटरवल इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा. ठीक है, अभी तक हम अपनी मर्जी से लेकर चल रहे थे एलिमेंट्स कुछ भी, बट जब हम इंटरवल्स की बात करेंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा कि हमारा सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर एंड होगा. ओके, तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा 1, और अगर कोई भी मैंने एक मान लिया एलिमेंट सिंबल नोटेशन के लिए वो मान लिया मैंने y, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, कि जो एलिमेंट है मेरा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा मेरा 4 पर. ओके, और ये सिंबल्स क्या है मेरे, इक्वल टू का मतलब कि ये भी सेट का पार्ट होगा. ठीक है, तो अब दो तरह के हो सकते हैं इंटरवल हमारे, या तो ये y इसको बिलोंग करेगा या फिर y जो है वो इस तरह से लिखेंगे नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि y के जो है वो ना तो 1 होगा और ना ही क्या होगा 4 होगा, तो बीच के कौन से दो एलिमेंट्स बच गए, 2 और 3. तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, दो तरह के. और क्या हो सकता है, और एक टाइप क्या हो सकती है कि 1 is this and this. ठीक है, एक तरफ इक्वल टू और एक तरफ इक्वल टू ना हो, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 1, 2 and 3. ठीक है, कि जो 1 जो हमारा y है वो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, y क्या है, y बेसिकली एक एलिमेंट लिया है मैंने, और ये एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, जैसे ट्रेन में टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है कहीं से कहीं. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसकी रेंज बताई है एक, तो दैट विल बी द 1, 2 and 3. तो दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरवल. इंटरवल मतलब कि कहाँ से कहाँ तक हमारी रेंज हो सकती है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है. अब अगर समझने की बात करें सिंपल मैथ्स में, सेट्स के फॉर्म में बात करें, तो सेट्स में क्या है आपको पता है, सेट्स में एलिमेंट्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, a, b स्मॉल लेटर्स में. अगर वो रियल नंबर्स हैं, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और जो a है वो किससे छोटा होना चाहिए, b से. आप देख रहे हो 8, a क्या है फर्स्ट एलिमेंट और b क्या है मेरा लास्ट, तो a हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, b से. हमने भी जितने एग्जांपल्स लिए a मेरा छोटा था किससे, b से. क्लियर, तो इसके लिए हमारा जो इंटरवल लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स विल बी व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स विल बी y विल लाई इन बिटवीन a एंड b. जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया कि y मेरा कोई भी एक एलिमेंट है वो 1 और 4 के बीच में है, तो दैट मींस y विल बी लाइंग बिटवीन a एंड b. देन इसके टाइप्स जो हमने यहाँ पर टाइप्स किए, जो ये फर्स्ट टाइप हमने किया कि जिसके अंदर हमारा ये 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड थे, तो वो हमारा कौन सा इंटरवल कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट और लास्ट, ये भी हमारे इसका पार्ट हैं. ठीक है, हमारे सेट के अंदर ही हैं, क्लोज हैं वो सेट के अंदर.
ठीक है. देन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसको ध्यान से देखना कि क्लोज इंटरवल के लिए हमें ब्रैकेट कौन सी यूज़ करनी है और ओपन इंटरवल के लिए हमें कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है. क्लोज के लिए स्क्वायर और ओपन के लिए हमारी सर्कल ब्रैकेट, राइट. देन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हमारे पास कैसे हो गया, ओपन, ओपन का मतलब खुला, ठीक है. तो जो ये हमारे वो हैं एलिमेंट, जो रेंज है हमारी, ये खुली हुई है, मतलब ये सेट से बाहर जा चुकी है, ओपन हो चुकी है सेट से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माय ओपन इंटरवल, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया. अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल हमने क्या लिया था कि हो सकता है एक साइड ओपन हो और एक साइड हमारी क्लोज हो, तो वही थर्ड है कि एक साइड ओपन और एक साइड हमारी क्लोज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई, देन वाई इज ए एंड दिस इज बी. जहाँ पर क्लोज होगा वहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि उसको भी हमें सेट के अंदर लेना है, तो तभी तो आएगा जब वाई बी के भी बराबर होगा, तभी तो वो सेट के अंदर घुसेगा, तभी तो वो क्लोज बनेगा, ठीक है. इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, वाई ए इज लेस देन वाई एंड दिस इज बी, ठीक है. तो अब आप इतना तो आप सीख ही चुके हैं कि सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं, तो अगर कहीं बाय मिस्टेक गलत हो जाए तो वो आप अपने आप भी ध्यान रख सकते हैं, क्लियर, ठीक है. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे. हमें पता है ये ज़ीरो है, ये सपोज ए है और ये मेरा बी है, क्योंकि ए जो है वो हमेशा बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है. तो ओपन, ओपन का मतलब क्या है, खुला हुआ, जो खुल चुका है सेट से बाहर निकल चुका है, खुल गया है वो, तो दैट इज ओपन. तो ओपन में जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो भी हम ओपन ही करेंगे, और ओपन क्या दिखाएंगे, हम सर्कल, ठीक है, आसान है. देन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे, क्लोज है ये, यानी कि ये भी इसका पार्ट है, तो यानी कि हम इसको भी क्लोज करके ऐसे करके दिखाएंगे, दैट मीन्स दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है. और जो थर्ड टाइप थी, जो थर्ड टाइप थी जिसके अंदर हमारे पास क्या था कि एक साइड हमारी क्लोज और एक साइड हमारी ओपन, तो वो कैसे दिखाएंगे हम, ए के अंदर मान लीजिए कि ए ओपन है और बी क्या है मेरा क्लोज, तो ए ओपन और बी विल बी द क्लोज, ठीक है. जो भी साइड क्लोज होगी उसको हम डार्क सर्कल करेंगे एंड दिस विल बी द ओपन, क्योंकि वो खुला हुआ पार्ट है, ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पावर सेट. पावर, पावर क्या होती है, पावर पढ़ी हुई है हमने, शक्ति, कितनी ताकत है उसके अंदर, तो पावर आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है. अगर मैं आपसे कहूँ 2 raised to the power 3, 2 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3 बार, तो यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा, 8. तो सेट्स में भी सेम टू सेम चीज़ है. सेट्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास, या फिर हम सबसेट की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी सेट में प्रेजेंट हैं उससे हमारे कितने सबसेट्स बन सकते हैं. अभी तक हम सबसेट्स देखते आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम कितने भी सबसेट्स बना सकते हैं, बट अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उससे हम देख सकते हैं कि जब हम सबसेट्स बना रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है. तो ए अगर एक मेरा सबसेट है, तो इसके, ए अगर मेरा एक सेट है तो इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट ये खाली ए 1 हो सकता है, खाली 2 हो सकता है, या फिर अगर मैं कुछ और ले लूँ तो वो क्या हो सकता है मेरा 1, 2, क्योंकि सेट खुद एक सबसेट होता है. देन एक और क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने कि जो फाई है वो फाई भी क्या होता है, हमारा सबसेट होता है, राइट. तो कितने बने, 1, 2, 3 एंड 4 सबसेट्स बने, ठीक है. तो 4 कैसे आए, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे कि जितनी 2 raised to the power m के जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. तो इसके हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 raised to the power 2. 2 क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 2. तो यानी कि हमारे पास ये n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सब सेट्स, कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं किसके, पी ऑफ ए के, ये जो ए सेट है इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं,
तो यही क्या कहलाएगी, इसकी पावर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पावर सेट। क्लियर, यूनिवर्सल सेट। नाम से आपको पता चल रहा है यूनिवर्सल, यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जिसके अंदर सब कुछ है, वो क्या कहलाता है हमारा यूनिवर्स। तो यानी कि इसके अंदर सेट्स के केस में भी क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स प्रेजेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ए एक सेट है 1, 2, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बी क्या होगा, बी विल बी अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारा इसका क्या कहलाएगा, सब सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में आपके कहाँ से कहाँ तक क्लासेस होती हैं, फ्रॉम नर्सरी टू 12th, राइट। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट होगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यूनिवर्स हैं। उसके अंदर एक स्टूडेंट है जो कि कौन सी क्लास का है, क्लास 11th का। क्लियर। नाउ अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चंस जो है वो खुद से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय इंसर्टिंग, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है हमारा सब सेट का, और ये किसका सिंबल है, दैट इट इज नॉट अ सब सेट। ओके, तो ब्लैंक स्पेसेस में हमें ये वाले सिंबल्स इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट 2, 3 एंड 4। तो मैंने सिर्फ तीन ही पार्ट लिए, बाकी के पार्ट्स आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम 2, 3 एंड 4, 2 है यस, 3 भी है यस, एंड 4 भी है, तो यानी कि ये इसका सबसेट है। क्लियर, क्योंकि इसमें से एक नया सबसेट, नया सेट बना है जो कि इसी के एलिमेंट्स को यूज़ करके बना है, इसी का ये क्या है, एक पार्ट है। फाइन, नेक्स्ट, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है, एक ट्राइंगल, और दूसरा सेट क्या है, रेक्टेंगल। एक सेट के अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं और एक सेट के अंदर सारे क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं। क्या रेक्टेंगल्स को यूज़ करके हम एक नया सेट बना सकते हैं जिसके अंदर क्या आ जाए, ट्राइंगल्स आ जाए, नहीं बना सकते। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, एक नॉट अ सबसेट, क्योंकि रेक्टेंगल्स को यूज़ करके जो नया सेट बनेगा वो भी रेक्टेंगल्स का ही बनेगा, क्योंकि उसी के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं हमने, हम अपनी मर्जी से कोई भी नया एलिमेंट एड ऑन नहीं कर सकते। क्लियर, देन एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब दूसरा सेट क्या कह रहा है हमारा, x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर्स कौन से होंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन। तो अब देखो खुद से कि क्या ये इसका पार्ट है, यस बिल्कुल है। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 सब कुछ इसमें प्रेजेंट है, तो यानी कि दिस विल बी अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो पहले वाला सेट है वो इसका सबसेट होगा। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या नहीं है। अब उन्होंने ये सिंबल इंसर्ट करके दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो कैसे, ए कोमा बी, ए ए एंड बी एंड बी, तो यानी कि ए तो बी का सबसेट है, बट इन्होंने क्या बोला है, नॉट, तो यानी कि ये कंडीशन, ये हमारी कैसी हो गई, फॉल्स, राइट। इसी तरह से 1, 2 एंड 3, दिस इज अ सबसेट ऑफ 1, 3 एंड 5, क्या ये ट्रू है, 1 और 3 तो प्रेजेंट है, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हमारा इस वाले सबसेट में, इस वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारी कैसी हो गई, एक फॉल्स कंडीशन, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहला एलिमेंट हम लिख लेते हैं,
एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. दो कंडीशंस हैं, एक तो वो नंबर क्या होना चाहिए, 6 से छोटा, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, इवन. तो कौन से नंबर्स होंगे, 2, 4, क्योंकि सिर्फ यही नंबर्स लेने हैं जो इवन हों और 6 से क्या हों, छोटे हों. और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो कैसे नंबर्स होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स. तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई. देन दिस इज अ सबसेट. देन x is a natural number which divides 36. एक ऐसा natural number जो कि 36 को divide कर दे. 36 को कौन कौन divide करेगा, 1, 2, 3, 4, and 6, and 36. ये सारे elements जो है वो 36 को divide कर देंगे completely. तो that means कि हमारे पास अब हमें बताना है कि ये दोनों, ये वाला जो है ये इसका subset है या नहीं है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 जो है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 4 इसमें भी प्रेजेंट है. तो यानी कि ये कंडीशन मेरी कैसी हो गई, ट्रू. ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स में भी आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई. सिर्फ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है, करेक्ट हमें नहीं बतानी. देन चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है. 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए. 3, 4 ए का सबसेट है या नहीं है. अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया, 3 क्या है, एलिमेंट, और 4 भी ए इसका क्या है, एलिमेंट है. बट यहाँ पर ये पूरा क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा सेट दिया हुआ है. तो यानी कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हमें एलिमेंट्स की बात करनी है जब हम सबसेट की बात कर रहे हैं. बट ये क्या है, पूरा का पूरा सेट, तो दैट विल बी अ इनकरेक्ट. ओके, देन उसके बाद 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. यस, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यानी कि ये कैसा हो गया मेरा, करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसका आप रीज़न क्या लिख सकते हैं, रीज़न आप यही लिख सकते हैं कि 3 जो है वो 3 किसको बिलोंग कर रहा है, कुछ भी आप इसको सेट को नाम दे सकते हैं, बी को. बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. क्लियर. इसी तरह से अब अगर हम इसकी बात करें, तो अब ये पूरा जो है, देखो अब ये एक ब्रैकेट लगी है, यानी कि ये जो पूरा सेट है इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, ये पूरा सेट. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट इसमें एज इट इज प्रेजेंट है. तो यानी कि ये भी मेरी कैसी स्टेटमेंट हो गई, करेक्ट स्टेटमेंट. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सॉलिंग सब सॉरी राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. इनके सबके हमें क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं. तो सबसेट्स कैसे लिख सकते हैं, अब ए का सबसेट क्या हो सकता है, एक तो ए खुद इसका सबसेट होगा, और दूसरा सबसेट क्या होगा इसका, 5. इसको मत छोड़ देना, और इसको कि खुद का सेट लिखना और 5, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है, अब कोमा बी, ए कोमा बी का क्या बनेगा हमारे पास सबसेट, एक ए एक खाली बी, एक कॉमा सेपरेटेड करते जाएंगे, देन एक खुद से सेट, और चौथा कौन सा, चौथा हमारा हो गया 5. क्लियर. इसी तरह से 5 के सबसेट्स लिखने हैं, 5 के सबसेट्स कितने हुए, खुद 5 ही एक सबसेट होगा बस, और कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये सबसेट्स मैंने आपको सिखा ही दिए कि एलिमेंट्स लेके, उसी के एलिमेंट्स लेके हमें एक नया सेट बनाना है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सबसेट. पार्ट होना चाहिए वो उस एक्चुअल सेट. क्लियर. क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नंबर ऑफ वो बताने हैं P ऑफ A में, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2^m. तो कितने होंगे, 5 का मतलब क्या है कि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 0. तो m की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0. तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1. तो P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, P ऑफ A में सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा. क्लियर. पावर सेट में हमने ये डेफिनेशन पहले से पढ़ ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. अब इंटरवल्स की फॉर्म में हमें ये सारे लिखने हैं. इंटरवल्स कौन से, क्लोज या फिर
ओपन इंटरवल, जो मैंने आपको बताया कि इंटरवल क्या है, एक रेंज कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर हमारा सेट एंड होगा, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ से एंड होंगे, एक टाइम इंटरवल बीच का पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरवल। तो कैसे लिखूँ अब इसके इंटरवल्स, आ सकता है ये हमारा कैसा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा तो ये कैसा होगा मेरा, एक ओपन इंटरवल माइनस फोर कोमा, और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इक्वल टू लगा है तो दैट मीन्स दिस विल बी माई क्लोज्ड इंटरवल, तो इंटरवल क्या बन गया माइनस फोर कोमा सिक्स, वन विद ओपन ब्रैकेट एंड वन विद द क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, x जो है वो दो एलिमेंट्स है थ्री एंड फोर, दोनों में इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है, तो यानी कि दोनों में ही मेरी कौन सी ब्रैकेट्स लगेंगी, क्लोज्ड ब्रैकेट्स थ्री कोमा फोर। क्लियर, हमें क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर सेवन में, राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं और हमें इन इंटरवल्स को किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में। तो सेट बिल्डर की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट मान लिया x, देन x इज अ नंबर लेस देन जीरो। ठीक है, देन लेस देन जीरो, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, कैसे लिख सकते हैं, x आप देख रहे हो दोनों ओपन ब्रैकेट्स हैं, तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी माइनस थ्री और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी ज़ीरो, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है कि हमने कुछ भी एक और ले लिया x, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है हमारी ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, तो क्या लिख सकते हैं, x इज अ नंबर लाइंग बिटवीन सिक्स एंड ट्वेल्व। ओके, देन जब हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो इंटरवल्स कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम इसके, ये ओपन ब्रैकेट है तो यानी कि ये विदाउट इक्वल टू आएगी, और ये क्लोज ब्रैकेट है तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, विद इक्वल टू सिंबल। क्लियर, बहुत आसान है। देन सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने पढ़ी हुई है और हमने इंटरवल्स पे पढ़ लिए, सिंपल हमने उसको इंटरवल्स को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, द यूनिवर्सल सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यूनिवर्सल सेट्स मैंने आपको बताए कि पूरा का पूरा सेट जिसके अंदर सारे के सारे इंक्लूडेड हो जाए, जैसे हमने स्कूल का एक एग्जाम्पल लिया, तो अब राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, राइट ट्राइंगल एक पार्ट है, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विल बी अ यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे के सारे ट्राइंगल्स अगर हम ले लें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और थर्ड साइड हमारी नॉट इक्वल होती है, तो इसके लिए भी क्या होगा, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट सेम दैट द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उसके अंदर सारे तरह के ट्राइंगल्स आ गए, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल साइड, जिनके दो एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब जितने भी तरह के ट्राइंगल्स हो सकते हैं सब के सब इसके अंदर किसके अंदर आ गए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में। क्लियर।